मंगलवार को मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। हालांकि रीवा और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिवाली तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद रात के तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। यह स्थिति तब हो रही है जब दिन के समय तापमान ज्यादा न होने के बावजूद लोगों को तेज धूप का एहसास हो रहा है, जो उनकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। मौसम के इन अलग अलग रंगों के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दक्षिणी छत्तीसगढ़ और इससे लगे उड़ीसा के ऊपर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह सर्कुलेशन दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मौसम में बदलाव के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस परिस्थिति ने मौसम में एक नई दिलचस्पी पैदा कर दी है और लोगों को यह देखने की उम्मीद है कि आगे क्या परिवर्तन हो सकते हैं। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट के आसार जताए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट के साथ देखा जा रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर भी पाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को प्रदेश के खजुराहो में दिन का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सर्दी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि दिन में गर्मी का अनुभव अभी भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो गई थी, लेकिन लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 23 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहा। अब जबकि मौसम साफ हो गया है, लोगों को दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। यह स्थिति विशेष रूप से सर्दियों की शुरुआत का संकेत देती है, जिससे लोग तैयार हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में बारिश ने मौसम को और भी सुहावना बना दिया है और लोगों को राहत पहुंचाई है। यह बारिश सर्दियों की शुरुआत में वातावरण को ताजगी प्रदान करती है, जिससे लोग एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं।